नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन न्यूज। इंडिया अलायंस, जिसका गठन 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है और यहां पर लगातार सभी 26-28 दल जितने भी इसमें मौजूद हैं, उनका कहना है कि बीजेपी शासन को हटाना है, वो भी सब पार्टियों को एक साथ मिलकर। लेकिन क्या ये पार्टी धरातल पर एक साथ नजर आ रही है? टीएमसी कांग्रेस बंगाल में लड़ रही है, जहां पे अंजन चौधरी और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। यहां पर मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी अब आम आदमी पार्टी अपने पैर पसार रही है और वहां लगातार कांग्रेस के वोट काटने की कोशिश कर रही है। यहां पर केजरीवाल खुलेआम कहते हैं कि पुरानी पार्टी को उखाड़ फेंको और आम आदमी पार्टी को ले आओ, क्योंकि पुरानी पार्टी भ्रष्टाचारी है और इनमें से दो राज्यों में जो पार्टी है वो कांग्रेस की है। यानी इंडिया अलायंस में एक तरफ तो आप एम लेके चल रहे हैं कि 2024 में बीजेपी को हटाना है, लेकिन जब बात विधानसभा चुनाव की आए तो यहाँ बात कुछ बन नहीं रही और यही अब होने वाला है समाजवादी पार्टी के साथ। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतर गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इन दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। छतरपुर दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी की स्थिति यहाँ मजबूत है, वे अकेले चुनाव लड़कर बीजेपी को रोकने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि 33% महिला आरक्षण कब लागू होगा, इसे लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। यहाँ लगातार मुद्दों पर तो बीजेपी को घेरा जा रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर ही वो साझेदारी, वो समझदारी नहीं बन पा रही कि किस तरीके से यहाँ सीटों पर लड़ना है। और आगे अगर मध्य प्रदेश, अगर यहाँ पर देखा जाए अखिलेश यादव का लक्ष्य है, तो आगे जाके और भी राज्य उनका लक्ष्य होंगे, क्योंकि इस साल चुनाव सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी है और यहाँ अपने पाव पसारने की कोशिश सपा करेगी। एक राज्य में सफल होती है, एक राज्य में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो पार्टी तुरंत चाहेगी कि अगले राज्य में वो जाए और अपने वोट कमाए, क्योंकि 2024 के चुनाव भी यहाँ पर जीतना जरूरी है। लेकिन इंडिया अलायंस 2024 के चुनाव के लिए किया गया, तो आखिर ये वर्गीकरण लगातार किस तरीके से इंडिया अलायंस को हानि पहुंचाएगा, ये देखना होगा। या फिर इंडिया अलायंस में चुनावों से पहले कोई बातचीत होगी जिसमें सभी नेताओं को बैठा के बातचीत की जाएगी कि किस तरीके से चुनाव लड़ने हैं, क्योंकि सीटों पर अभी तक कोई बात नहीं हुई है और सबसे बड़ी बात वहीं अटकी हुई है कि इंडिया अलायंस किस तरीके से अब आगे बढ़ेगा। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।